मैंने जितना पढ़ा उसमें लगभग सारे दोहे बहुत अच्छे खूबसूरत लिखे हुए हैं, सब में ही सवाल है, सब में जवाब है। अब जैसे कबीर, हालांकि उसमें मात्राओं को बड़ा जोर दिया गया है, उसमें प्रस्तावना में बोला गया है, उसके बारे में बोलूं कि जैसे कागज पड़े पड़े जंग हुआ पंडित भय न होए, पठाई आखिर प्रेम के बने से पंडित हुए, तो पहली लाइन की मात्राएं अलग है, दूसरी लाइन की अलग है। ये मात्राओं का जोर 16, 17, 18, 15, 16 नहीं, भाव मेरे व्यक्तिगत मेरा अपना मानना है कि अगर तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला तो होती नहीं अगर हम ये मात्राओं में जाते। और क्या वाल्मीकि ने जब पहली कविता बोली थी तो मात्रा उनको रटा हुआ था क्या, या कबीर पढ़े हुए थे क्या? नहीं। भाव, ये भाव अंग्रेजी तो कभी नहीं पकड़ सकती। आप आग्रह कर रहे हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाए, मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई भी हिंदी का भाव अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जा सकता, न लिखा जा सकता। फिर प्रयास किया गया तो उस प्रयास के लिए साधुवाद है, बधाई है, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूं, अपनी हिंदी बहुत अच्छी है, उस हिंदी के भाव को कोई आपको नहीं पढ़ सकता है कभी भी। आपको उदाहरण दूं, मैंने गीतांजलि पढ़ी, मतलब हिंदी में या अंग्रेजी में पढ़ी, मुझे मजा नहीं आया। बंगाली में से मैंने बोला यार मुझे मजा नहीं आया यार, उसने बंगाली में पढ़ के भाव जो बताया मुझे लगा यार ये तो बड़ा कमाल कर दिया। अनुवाद बड़ी चुनौती है, और अभी हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं की जो भाव है हमारे, मैं नाट्यकर्मी हूँ, लिखता हूँ, करता हूँ, हमारे नवरस का क्या वहाँ मूल भाव है क्या? कुछ वेस्टर्न में थिएटर में टाइम स्पेस एक्शन बोला जाता है, टाइम स्पेस एक्शन, हमारे यहाँ भाव है। तो जब भाव विदेशों में या अंग्रेजी लैंग्वेज में है ही नहीं, तो फिर उसकी कल्पना कैसे हम कर सकते हैं? फैक्ट ये, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रयोग के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं रावत जी को, और सब इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया इसके लिए, वो ये भी चुनौती का कार्य है। मैं तो मुझे अचानक पता चला, और जैसे रवि जी ने बोला कि नाम आ गए, अचानक पता चला, तो मेरी रिहर्सल थी, मैं 22 तारीख का शो है LTC में, तो रिहर्सल मैंने पोस्टपोन की, मैंने कहा मैं कैसे ठुकराऊं इस आदर को, तो 4 से 6 रिहर्सल थी, मैंने कहा चलो भाई आज नहीं करते हैं, कल से करेंगे, फिर तो पोस्टपोन करके यहाँ आया। तो क्योंकि मैं इस यहाँ की कहते हैं भाव लेना चाहते थे, सुवास लेना चाहते थे कि चलो यहाँ के जो है तो अपने अंदर मैं सेंस लेकर चलूँ, कि आदरणीयों के साथ बैठूँ, उनको सुनूँ, समझूँ, और अपने अंदर उसको गूँथूँ, और उसके बाद कुछ और शायद लिख जाए, कुछ जान जाए, क्योंकि दोहा तो बहुत चुनौती कार्य है। मैंने पहले ही बोला ये नाम की बात करें तो एक संख्या गुलाब, दोहा गुलाब है, उसके अंदर जो छुपा हुआ तंज है वो पलाश है। दोहा गुलाब है, दोहे के सारे गुलाब है, उसके अंदर जो तंज है जवाब है, क्योंकि पहली लाइन में सवाल होता है, दूसरी में जवाब होता है, दोहों की यही नियति है। तो जवाब और सवाल के बीच में जो इनके जवाब हैं वो पलाश है, आग छुपी हुई है, दोहे गुलाब है। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी को पलाश बोला है, इन्होंने जो है तो पलाश उसके उसमें जो ट्रांसलेशन है वो पलाश संख्या पलाश है, और जो हिंदी का है उनको उन्होंने गुलाब बोला है, तो हिंदी तो गुलाब है ही, लेकिन वही पलाश भी है, उसके अंदर जो आग है, जो क्रांति है, जो जवाब है, वही पलाश है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कुछ आता नहीं है, कुछ मैंने इसमें से कोई लेकिन बीच में बोला हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग सब लिखते हैं पढ़ते हैं, इसे लिखिए पढ़िए जरूर, सुनिए जरूर, किताब लीजिए। 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है किताब के लिए, लिखना, छापना और फिर पढ़ना। डॉक्टर संजीव जी ने बोला कि जब खरीदेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो और सबसे पहले खरीदता कौन है? इष्ट मित्र रिश्तेदार, वही खरीदते हैं, उसके बाद ही पढ़ते हैं। तो खरीदिए जरूर किताब को, अथवा से लिखने कोई फायदा। 3 बहुत महत्वपूर्ण पिलर है वो दुनिया के, मतलब हिंदुस्तान के 4 पिलर है, किताब के लिए 3 पिलर है, एक तो लिखने वाला, दूसरा छापने वाला, तीसरा पढ़ने वाला। तो पाठक वर्ग बहुत जरूरी है, उसको लीजिए। अब मैं देखिए मेरे सामने एक आई है, जेठ दोपहरी से पहल कठिन शीत के बाद, समय बासंती आ गया करो पिया को याद। एक दोहा ये है, फिर इसी तरीके से आप पीछे जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट में लिखा है, सब लोग बोल रहे हैं, बात बात पर पिता से करते रहे सवाल, कुर्सियां छड़ अंगूर रहे, रहते वो बदहाल। कहीं भी किसी भी अगर उसकी पंक्ति में जाएंगे, अपनी माँ मैया भई सास बन गई भार, ऐसी नारी पर नहीं कृपा कर सरकार।
इट्स वन। आप किसी भी पेज पे जाए आपको लगे कि हाँ अच्छा लिखा है, अच्छा हाँ दोहा है, दोहा तो भाई सवाल और जवाब, ये चुनौती भी है कि आप सवाल करते हैं कि उसका जवाब भी जरूर है। दो लाइनों में आपको पूरा संसार रचना होता है, तो इस संसार रचने के लिए राव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।